हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। मीडिया से सरकार ने कहा, सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन कानून का उल्लंघन है, इससे परहेज करें। केंद्र ने सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के विज्ञापन दिखाने के खिलाफ नई एडवाइजरी जारी कर मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स को इससे परहेज करने को कहा है। सरकार ने इसे भारतीय कानूनों का उल्लंघन बताया। सरकार ने एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई। सट्टेबाजी और जुआ गैर कानूनी है। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज। उत्तर प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बकौल रिपोर्ट्स, शाइस्ता ने अर्जी दी थी कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है और इसे फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि शाइस्ता पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। अब तक के सबसे भयानक बर्ड फ्लू प्रकोप के बीच जापान में नहीं मिल रही है मुर्गियों को दफनाने की जगह। बता दें कि जापान में बर्ड फ्लू के अब तक के सबसे भीषण प्रकोप के बीच मारी गई मुर्गियों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है। वर्तमान प्रकोप में देश में 1,70,00,000 मुर्गियों को मारा जा चुका है। सरकारी ब्रॉडकास्टर NHK के अनुसार जापान के 26 में से 16 प्रांतों में मुर्गियों को दफनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। इससे पहले 2020 में सर्वाधिक मुर्गियों को मारा गया था। 2020 में जापान में 99,00,000 मुर्गियों को मारा गया था। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को दी मंजूरी। खबर है कि केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो मिशन की गतिविधियों तथा अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरिक्ष संघ ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। 2024 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बदलेगा CBSE। CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की 2024 की बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बदलेगा। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्नों यानी MCQs की संख्या बढ़ाई जाएगी और शॉर्ट या लॉन्ग आंसर वाले प्रश्नों का वेटेज घटाया जाएगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 50% अनिवार्य रूप से योग्यता आधारित होंगे, जो कि MCQ, केस आधारित, सोर्स आधारित तथा अन्य प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न अनिवार्य रूप से 40% होंगे। KKR ने दर्ज की IPL 2023 की अब तक की सबसे बड़ी जीत, RCB को हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 81 रनों से हराकर IPL 2023 की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से दर्ज की है। 2005 रन के लक्ष्य के जवाब में RCB 123 रन पर ऑल आउट हो गई। इस सीजन अपने दूसरे मैच में RCB की यह पहली हार है। 2023 का मार्च महीना संयुक्त रूप से रहा पृथ्वी का अब तक का दूसरा सबसे गर्म मार्च। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 का मार्च महीना संयुक्त रूप से 2017, 2019, 2020 के साथ पृथ्वी का अब तक का दूसरा सबसे गर्म मार्च रहा। बकौल रिपोर्ट, इस साल मार्च का तापमान 1991 से 2020 के औसत तापमान से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। गौरतलब है कि अब तक का सबसे गर्म मार्च साल 2016 का है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।